संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर अभी सस्पेंस कायम है, लेकिन 5 दिन के इस सत्र में एक बात अब तय मानी जा रही है कि सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही नई बिल्डिंग में शुरू कर दी जाएगी। साथ ही नई इमारत में शिफ्ट होते ही संसद भवन में काम कर रहे सुरक्षा स्टाफ और दूसरे कर्मचारियों की वर्दी में भी बदलाव होने जा रहा है। संसद के सुरक्षा कर्मचारी अब कॉम्बैट ड्रेस में नजर आएंगे। अब तक वो नीले रंग की सफारी पहनते रहे हैं, अब वो दो अलग अलग रंगों की ड्रेस में नजर आएंगे, जो सेना के जवानों की ड्रेस से काफी मिलती जुलती है। महिलाओं के लिए पहले की तरह ही साड़ी को यूनिफॉर्म बनाया गया है। नई यूनिफॉर्म डिजाइन करने का जिम्मा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट को सौंपा गया है, जबकि कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा चुनने में सहयोग दिया है। उधर कर्मचारियों के लिए तैयार शर्ट पर कमल जैसी आकृति बनाए जाने पर विवाद भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कमल की जगह मोर या बाघ की तस्वीर लगाई जा सकती थी। दरअसल नई संसद में लोकसभा की थीम जहां मोर है, वहीं राज्यसभा की थीम कमल है, जिसे लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक पिछले सत्र के दौरान ही निफ्ट को संसद भवन के कर्मचारियों की यूनिफॉर्म बदलने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन किसी वजह से इसे टाल दिया गया।